मित्रों आपने अगला वीडियो में धोरण 8 संस्कृत हूँ एम हिंदी बोलो छू माफ करजो संस्कृत शिलाया प्रवास ए विषय पहला वीडियो में शिलानो प्रवास ए विषय बात करी गया जेमा शिला प्रवास गई है एमनी माता सविता ने मोबाइल करे छे फोन करे छे शिक्षिका एमने फोन आपे छे अने त्यार बाद ये आखा प्रवासनुं वर्णन करे छे अजंटा इलोरानी गुफा विषेनी वात छे आ उपरांत त्यांना एम कहे छे के त्यां जे कई तू जोए ते लखी लावजे नोट कॉपी में बुक में ये बात करी छे। हवे आपणे टिप्पण जोईशुं ब्रह्मणवास मोबाइल फोन शिलाया शिलानो शिलाका तस्ये तेणीने ते उसीको अम्ब हे माताओ ओ माता अधुना अत्यारे अभी भवत्या आपने आपको स्त्रीलिंग कथम अस्थि केम छे कैसी हो गृहायाम गुफा में चतुर्मुख चार मोढ़ावाड़ो चार मुख वाला चार मुख वाला पद्मपाणी का मार्गदर्शन भूमियों गाइडी होगा यानी कि जो बातचीत करता है ना वो यानी दिखाता है ये भाई ये एजेंडा का गुफा है 100 वर्ष पुरानी है 200 वर्ष पुरानी ये जो बताता है वो भूमियों गाइड यानी मार्गदर्शक सम्यक रीत्या साहित्य अच्छी तरह से बौद्ध गुहाया बौद्ध गुफा की अस्माभिश हमारे साथ है टिप्पणी पुस्तक नोटबुक कापी आनी हो तो लावजे लेके आना। अभी स्वाध्याय की बात करते हैं। स्वाध्याय में स्वाध्याय में जो ये शब्द दिए गए हैं वो जोर से उसका उच्चार करना है। ब्रह्मण भाष्य किश्चित प्रेषयति सम्यक प्रचलति अजंता गुहाया चतुर्मुखस्य पद्मपाण्या बौद्ध गुहाया त्र्यंबकेश्वर दुष्णेश्वरत टिप्पणी पुस्तकम। ये जोर से बोलना है, घर में बोलना जोर से, मम्मी पापा सब सुन सके इसी तरह जोर से बोलने का। पता है ना हम जोर से बोलते थे, वो आपने ज्योति बोलता था तो खबर है ना ए रीते बोलवानू है। नीचेना प्रश्नोना जवाब संस्कृत भाषा में लिखो, नीचे के प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। का दूरभाष करोति सविता दूरभाषम भ्रमणम करोति भ्रमण भाषम करोती। संस्कृत का संस्कृति होगा, इसका कुछ हिंदी अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। शिला कश्या पुत्री अस्ति, शिला सविताय पुत्री अस्ति, शिला सविताय पुत्री अस्ति, शिला कुत्र गच्छति, शिला प्रवासे गच्छति लिखो। शिला किम पश्यति, शिला अजन गुहाया भवत बुद्धस्य सुंदर शिल्पम चतुर्मुखस्य हिरण्यस्य मनोहरम चित्रम अने अन्यानि बहुती सुंदराणी चित्राणी च पश्यन्ति। तो यहाँ आ चार प्रश्नों का जवाब, यहाँ ये चार प्रश्न के जवाब क्या होता है, पूर्ण होता है जो आपको आपकी कॉपी में लिखना है। उदाहरण के अनुसार वाक्य को प्रश्नार्थ वाक्य बनाइए। शिला अजंता अजंताय गुहाया अस्ति,
शिला कुत्र अस्ति, शिला कुत्र अस्ति, ये इसका क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों का जो विधान वाक्य है इसके प्रश्न वाक्य बनाने हैं। तो शिला अजंता है, गुफा अस्ति, उसको क्या लिखना है, प्रश्न वाक्य बनाना है। तो शिला कुत्र अस्ति, कहाँ गई है, महेश उद्यान अस्ति, महेश कुत्र अस्ति, उद्यान की जगह क्या रख देना है, कुत्र अस्ति, ये उद्यान की जगह, ये उद्यान की जगह क्या करना है, कुत्र अस्ति लिख देना है, कुत्र, कुत्र। इसी तरह कि फरीदा वाटिका अस्ति, वाटिका फरीदा कुत्र अस्ति, सुनंदा शालायाम अस्ति, सुनंदा कुत्र अस्ति, ऐसा लिखना है। तो महेश उदाहरण अस्ति, महेश कुत्र अस्ति, फैदा वाटिका अस्ति, फैदा कुत्र अस्ति, सुनंदा शालायाम अस्ति, सुनंदा कुत्र अस्ति। तो दोस्तों ये हुआ पेज नंबर 20 का प्रश्न के उत्तर, आ थयो पाना नंबर 20 ना प्रश्न ना उत्तर। हवे 21 पाना पर आवी है, शिला गृहत मंदिरम गच्छति, शिला कुत्र मंदिर गच्छति, शिला गृहत कुत्र गच्छति, एटले के कुत अने कुत्र, कुत एटले क्या, गृहत कुत्र क्यांथी क्या, एवी रीते छे। तो लखो, शिला नरेन्द्र, शिला गृहत मंदिर गच्छति, गच्छति लिखा, शिला कुत मंदिर गच्छति, शिला गृहत मंदिर गच्छति, सॉरी शिला गृहत कुत्र गच्छति, कुत एटले क्या अने कुत्र एटले कई जगह, क्या अने कई जगह, शिला गृहत घरथी, कुत्र गच्छति घरथी क्या जाए छे, शिला कुत मंदिर गच्छति क्यांथी मंदिर जाए छे, अने घरथी ए क्या जाए छे तेवू छे, एटला माटे थईने। तो नरेन्द्र कार्यालय, कार्यालय तो गृह, गृहं गच्छति। तो लखो, नरेन्द्र कुतः, कुतः गृहं गच्छति, कुतः गृहं गच्छति, थई गयु। हवे त्यार पछी नरेन्द्र कार्यालय थी गृहं की जगह कुत गच्छति, नरेन्द्र कुत गृहं गच्छति, नरेन्द्र कार्यालय कुत गच्छति, समझ में आ गया। इसी तरह विनय क्रीड़ा गणत वाटिका गच्छति, तो विनय कुत वाटिका गच्छति, क्रीड़ांगण निकाल देने का और लिख देने का, कुत लिखो, विनय कुतः वाटिका गच्छति। हवे अभी जो दूसरा वाक्य होगा वो विनय क्रीड़ागणम कुत गच्छति, अलका पालनपुरत गांधीनगर गच्छति, अलका पालनपुरत, अलका कुत गांधीनगर गच्छति, कुत गांधीनगर गच्छति, अलका पालनपुर कुत, अलका कुत गांधीनगर गच्छति, अलका पालनपुर कुत गच्छति, समझिए। ये होगा पहले इसकी जगह कुत रखना है और दूसरी की जगह कुत्र रखना है, कुत्र, कुत और कुत्र, ये कुत गच्छति कुत्र गच्छति, क्या जाए छे क्या थी क्या जाए छे। ओके, तो यहाँ हमारा ये प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है। उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए, ये प्रश्न नंबर 4 है। उदाहरण के नटराज चित्रम, नटराजस्य चित्रम अस्ति, वेदांत पुस्तकम, वेदांतस्य
वेदांतस्य पुस्तकमस्ति वेदांतस्य 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 पुस्तकम् अस्ति पुस्तक वेदांतस्य पुस्तकम् अस्ति वेदांतस्य पुस्तकम् अस्ति पार्थतस्य पार्थस्य कुन्दनमस्ति अस्ति कल्पेशलेखिनी कल्पेशस्य 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 लेखिनी अस्ति लेखनी लेखनी खनी अस्ति कर्णकुण्डक कुण्डलम् कर्णस्य कर्णस्य कुण्डलम् अस्ति कुण्डलम् अस्ति निसर्गगृहम् निसर्गस्य गृहम् अस्ति निसर्गस्य गृहम् अस्ति तो इसी तरह ये पूरा होगा अने यहाँ पेज नंबर 21 पूरु थाय छे त्यार पछी शिला पुस्तकम शिला शिलाया पुस्तकम अस्ति रेखा रेखाया रेखाया द्विचक्राः द्विचक्र अस्ति विद्या विद्याया या प्रभाव अस्ति कृपा कृपाया कृपाया आसन अस्ति मीना मीनाया मीनाया पाठशाला अस्ति अनीक्षा अनीक्षाया या शाटिका अस्ति तो मित्रों
અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 4 શું થાય છે પૂરો થાય છે હવે છે પ્રશ્ન નંબર 5 આરતી જામનગર થી રાજકોટ જાય છે આરતી જામનગર થી રાજકોટ જાય છે જામનગર તો જામનગર જામનગર તો જામનગર તો રાજકોટમ ગચ્છતિ રાજકોટમ ગચ્છતિ હર્ષા અમરેલીથી જૂનાગઢ જાય છે હર્ષા હર્ષા અમરેલી તો અમરેલી તો જૂનાગઢ ગચ્છતિ ગચ્છતિ મિહિર અમદાવાદ થી સુરત જાય છે મિહિર મિહિર અમદાવાદ તો અમદાવાદ તો સુરતમ ગચ્છતિ સુરતમ ગચ્છતિ કુમાર ભૂતથી અમદાવાદ જાય છે કુમાર 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 ભૂજત અમદાવાદ ગચ્છતિ ગચ્છતિ ઉષા વડોદરાથી પાલનપુર જાય છે ઉષા વડોદરા તો પાલનપુર ગચ્છતિ ઉષા વડોદરા તો પાલનપુર પાલનપુરમ ગચ્છતિ તમારા ગામમાં આવતી બસ ક્યાંથી અને કયા કયા સ્થળેથી આવે છે તેનું વર્ણન કરો લોકાયન હિંમતનગરમ ઈડમ ગચ્છતિ ઈડરત વટપલ્લી ગચ્છતિ વટપલ્લી ભાવનગર ગચ્છતિ તો હું સણિયા તળાવ રહું છું
बराबर छे। मैं सनिया तारा रहता हूँ तो क्या है तो सूरत तह उधना गच्छति, उधना तह डिंडोली गच्छति, डिंडोली तह सनिया तड़ाव गच्छति। तो इसी तरह आपको भी आपकी कापी में ये लिखना है। तो ये हुआ पेज नंबर 22 का प्रश्न के उत्तर। और अभी संस्कृत सामयिका नाम सूची ही गांडीवम साप्ताहिक वाराणसी उद्यान पत्रिका मासिक आंध्र प्रदेश अभिनव संस्कृतम वार्षिको वार्षिकी कानपुरम अनादि वाक त्रिमासिक नई दिल्ली अर्वाचीन संस्कृतम त्रिमासिक नई दिल्ली गीवान सुधा मासिक मुंबई दिव्य ज्योति मासिक शिमला पारिजातम मासिक कानपुर संस्कृत संदेश दैनिक वडोदरा अने सांप्रतम मासिक अहमदाबाद संभाषणम संदेश मासिक बेंगलुरु रसना मासिक केरला। तो यहाँ इसी तरह हमारा पाठ नंबर 5 जो शिलाया प्रवास है वो यहाँ संपन्न होता है यानी पूर्ण होता है। यहाँ आपको पाठ नंबर 5 पूरा थाई छे और वीडियो नंबर 2 पण यहाँ पूरा थाई छे। फरी मळीशुं आवता वीडियो में त्यारे आपणे पुनरावर्तन जोईशुं। तो त्यां सुधी आपणा मित्र अतुल याज्ञिक ने रजा आपशो। आपणो दिन शुभ जाय एवी शुभेच्छा।